हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर तजल्ली गौशिया और आप देख रहे हैं फैक्ट लाइंस टीजी। फैक्ट लाइंस टीजी की सीरीज में आज का क्वेश्चन है कि सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन डी कैसे प्रोड्यूस होता है। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है फैक्ट लाइंस टीजी और उसे सब्सक्राइब कीजिए। मूव बैक टू द टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है सनलाइट की मदद से यानी सूरज की रोशनी से विटामिन डी ह्यूमन के अंदर कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उत्पन्न होता है। आप सब ने विटामिन्स के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उनके बारे में सुना होगा। आप सब जानते हैं विटामिन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, कितने नेसेसरी हैं। इनकी डेफिशिएंसी से यानी इनकी होने वाली कमी से हमें क्या क्या बीमारी हो सकती हैं। मेजरली विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल यानी ज़रूरी विटामिन्स होते हैं। लेकिन आज हम विटामिन डी के बारे में जानेंगे। विटामिन डी कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके सोर्सेस क्या है और उसकी डेफिशिएंसी यानी कमी से होने वाली बीमारी के बारे में जानेंगे। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है। आप नेचुरली विटामिन डी सूरज की रोशनी से ले सकते हैं। लगभग 90% विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिल जाता है और बचे हुए 10% हमारे खाने की चीज़ों से हमें विटामिन डी मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे चीज़, एग योक, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिश एक्सेट्रा। विटामिन डी के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, D2 एंड D3। D2 को हम एर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और D3 को हम कोलेकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये दोनों इनएक्टिव प्रो विटामिन्स हैं। जिस वर्ड के आगे प्रो लग जाता है उसका मतलब है ये इनएक्टिव हैं। सूरज की रोशनी से बहुत तरह की रेज निकलती हैं, जिसमें से एक अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज तीन तरह की होती हैं, UVA, UVB, UVC। जब हम बाहर धूप में निकलते हैं और हमारी स्किन सूरज की रोशनी के कॉन्टैक्ट में आती है, तब सूरज से निकल रही अल्ट्रावायलेट बी हमारी स्किन में रह रहे प्रो विटामिन्स D2 और D3 को एक्टिवेट कर देती है और फर्दर विटामिन डी प्रोड्यूस होने लगता है। मैंने विटामिन डी के सोर्सेज और इसके प्रोडक्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे इससे होने वाली डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर बच्चों में हो जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिकेट्स, और यही कंडीशन अगर एडल्ट में, जवानों में हो जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स, यानी बोन्स का सॉफ्ट हो जाना। पहले की तरह आपकी बोन्स मजबूत नहीं होगी। कुदरती तौर पर नेचुरली आप विटामिन डी सूरज की रोशनी से ले सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है आपको दोपहर के 1-2 बजे जाके बाहर खड़े हो जाना है धूप में। आपको सुबह की धूप लेनी है, हल्के कपड़े पहनकर कम से कम 20 मिनट आपको सूरज की रोशनी के नीचे बैठना है। हल्के कपड़े पहनने से सूरज की जो रोशनी है वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलेगा। ये था हमारा आज का फैक्ट। आपको ये फैक्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड आई होप आप सही तरीके से विटामिन डी सनलाइट के थ्रू लेंगे। और भी ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए फैक्ट लाइंस टीजी पर। थैंक यू एंड गुड लक।